पुष्कर रोड के एक स्कूल में पढ़ने वाले छात्र का सोमवार को तीन बदमाशों ने अपहरण कर रिहाई के लिए उसके परिजनों से 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी, लेकिन 9 सीखे बदमाश अपने अपराध को अंजाम देने से पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गए। जिला पुलिस और स्पेशल टीम ने सूचना पर कार्रवाई करते हुए मात्र 6 घंटे के अंदर ही तीनों आरोपियों को कब्जे में लेकर छात्र को मुक्त करा लिया। पकड़े गए आरोपी ईदगाह कॉलोनी रातीडांग गली नंबर 2 में रहने वाला मोहम्मद बदरुद्दीन उर्फ गुलाम उर्फ अयान, ऋषिघाटी निवासी राधे उर्फ राधेश्याम, बोराज रोड नागपणी निवासी किशन सिंह को गिरफ्तार कर लिया। बदरुद्दीन पीड़ित परिवार का परिचित निकला। क्रिश्चनगंज थाना पुलिस ने तीनों को मंगलवार को अदालत में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर लिया। जिला पुलिस अधीक्षक महेंद्र सिंह चौधरी ने घटना की जानकारी देते हुए बताया, आज पुष्कर रोड पर आए हुए एक स्कूल के 11वीं क्लास में पढ़ने वाले 15 वर्षीय बच्चे का, जो केसरगंज क्षेत्र का रहने वाला है, स्कूल से छुट्टी के वक्त निकलते वक्त बदमाशान ने अपहरण कर लिया। और जब वो समय पर घर नहीं पहुंचा तो लगभग 5 बजे उसके परिजनों ने पुलिस थाना क्रिश्चियनगंज पर सूचना दी, क्योंकि इस दौरान 3:15 बजे के आसपास किडनैपर्स ने टेलीफोन पर बात करके और बच्चे की माँ को बताया, अपहरण की सूचना दी और 10 लाख रुपए रैनसम के मांगे। और इस सूचना को देने में लगभग परिजनों से संपर्क करके माँ को थाने तक पहुँचाने में 5 बज गए। जैसे ही थाने पर सूचना मिली, हमने हमारे पूरे शहर के पुलिस तंत्र को सक्रिय कर दिया। पुलिस थाना क्रिश्चियनगंज, पुलिस थाना क्लॉक टॉवर और DYSP साहब राजेश जी, एडिशनल स्टाफ और इनके साथ में CIO की टीम को लगाकर, और साथ ही सभी थानों से जो अच्छे कांस्टेबल्स सुरागरसा है उनको लगाकर और पूरे शहर में व्यापक खोजबीन की गई। और तारीख बदलने से पहले पहले हमने उस बच्चे को बरामद करने में भी सफलता प्राप्त कर ली है। और साथ ही इस किडनैपिंग के पूरे प्रकरण में जो 3 अभियुक्त हैं, उन 3 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त कर ली है। इन अभियुक्तों में से एक बदरुद्दीन नाम का लड़का है, वो परिजनों से, परिवार से, पूर्व से संपर्क में है और वो फाइनेंशियल क्राइसिस में होने की जानकारी मिली है। उसी कारण उसने अपने आपराधिक किस्म के आपराधिक प्रवृत्ति के साथियों किशन सिंह और राधे उर्फ राधेश्याम से मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और रैनसम के रुपए वसूल करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस के दबाव के आगे अपराधी है वो अपने मिशन में सफल नहीं हो पाई और उसको सहकुशल बिना रैनसम दिए बच्चे को छुड़ाने में सफलता मिली है। फाइसागर रोड स्थित हंस पैराडाइज में जैन समाज के अमृत महोत्सव के दौरान 4 महिलाओं के गले से सोने की चेन तोड़ने वाले गिरोह को गंज थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को गिरोह के सभी आरोपियों को अदालत में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर लिया गया है। गंज थाना प्रभारी करण सिंह ने बताया कि गिरोह में मां बेटी सहित 4 लोग शामिल हैं। सभी लोग तमिलनाडु से ताल्लुक रखते हैं, फिलहाल दिल्ली में रहकर आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने पीड़ितों की निशानदेही पर पकड़ी गई युवती से पूछताछ की। उसी वक्त पुलिस को यकीन हो गया था कि इस लड़की के साथ पूरा गिरोह है। लड़की की जमानत देने आए साथियों के रेकी करने पर दिल्ली नंबर की गाड़ी से भागने की फिराक में लगे गिरोह को पुलिस ने पीछा कर कार सहित धर दबोचा। ये परसों 23 तारीख का मामला है। दोपहर में हंस पैराडाइज फाइसागर रोड पर जैन समाज का कोई महोत्सव था, उसमें अंदर अपराधी घुस करके और महिलाओं की 3-4 महिलाओं की चेन स्केचिंग कर ली थी, उसका प्रकरण दर्ज हुआ था। प्रकरण दर्ज करने के पश्चात हमने इन आरोपियों के तलाश करना चालू कर दिया, टीम गठित की हमने, और टीम गठित करने के पश्चात कल हमने ये 4 अपराधी पकड़े हैं, जिन्होंने ही 23 तारीख को हंस पैराडाइज जैन समाज के महोत्सव के अंदर चेन तोड़ने का अपराध किया है।